और उसके बाद फीस सबमिट कर दिया है, तो एक बात सभी लोग ध्यान से समझिएगा कि बहुत सोच समझ के वहां पे कास्ट कैटेगरी और फीस को सबमिट करिएगा, क्योंकि इसके बाद सबमिट करने के बाद आपको कास्ट कैटेगरी चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीएसएस पोर्टल में जो कैटेगरी फिल करी है वही कैटेगरी आपकी मान्य होगी, और आपने अगर सीयूटी फॉर्म में कोई कैटेगरी फिल करी थी वो मान्य होगी, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि जो भी सीएसएस पोर्टल में आपकी कैटेगरी फिल करी जाएगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एससी फिल किया है तो एससी मान्य होगी, ईडब्ल्यूएस फिल किया है तो ईडब्ल्यूएस मान्य होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी अपडेट है, तो सभी कैंडिडेट सोच समझ के एक बार अच्छे से ध्यान से इसको फिल करके सबमिट करिएगा, क्योंकि इसके बिना फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा। थैंक यू सभी को, टेक केयर।